जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने सर को झुका के सभी बड़ों का आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। जितने बड़े आज मेरा बर्थडे आप लोगों ने इतना स्पेशल बना दिया, सबके व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके जो मैसेजेस आए हुए थे, और ख़ास तौर से वो बड़े बड़े लोग जो कि कहते हैं कि बेटा हमें तो व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, कोई कह रहा है हमने अपने पोते से पूछा कैसे मैसेज करना है, तो कोई कह रहा है हमने अपने बेटे से पूछा। बहुत अच्छा लगा सच में, क्योंकि एक छोटा सा भी एफर्ट कहते हैं ना बड़ी से बड़ी खुशी देता है, और आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, पसंद करिए, और इसी तरह अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना कर रखिए। और ये जो इतने सारे आप लोगों ने गिफ्ट्स भेजे हैं ना, उन सभी के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के गिफ्ट्स अभी यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं गई हूँ, तो कुछ कुरियर्स मेरे ऑफिस में रिसीव हो गए हैं, बट मैं जल्द ही उनकी भी वीडियो शूट करके ज़रूर डालूंगी। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो इतना सारा प्यार भेजा है ना मुझे, किसने क्या क्या आया, और मैं ना कल से जो घर पे मुझे रिसीव हुए हैं, अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरा बर्थडे नहीं होता है, मेरा बर्थडे की जगह आप बर्थ मंथ बना देते हैं। मतलब पूरा महीना मुझे लगता है कि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है। लोग कहते हैं बर्थडे या बर्थडे वीक, पर आप लोग मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के सभी लोग इतने प्यारे हैं कि मुझे महसूस ही नहीं होने देते हैं कि बर्थडे है या बर्थ वीक है। आप तो कहते हैं नहीं मैम बर्थ मंथ बनाइए। डोरबेल बजने लगता है, कुछ और भी आ गया है, तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कौन है, फिर आगे वीडियो शूट करती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मुझे क्या रिसीव हुआ। सबसे पहले मुझे रिसीव हुए हैं ये लड्डू। जी हाँ, लड्डू के साथ में कैश्यू नट्स। हम बोलते हैं ना कि केक नहीं कट करना चाहिए, लड्डू बांटिए, तो मैं कहती हूँ मेरे साथ आप जैसे लोग हैं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो इस बार मेघना और हितेश की साइड से उन्होंने ये लड्डू भेजे और कहा कि मैम केक और फ्लावर्स तो हम हर बार भेजते हैं, एंड नो डाउट मेघना इज ऑलवेज लाइक बर्थडे मंथ बर्थडे वीक, कोई मतलब नहीं है, जब मन में आया तब उठा के कुछ ना कुछ मेरे लिए भिजवा देती हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस लवली लवली लड्डू। इसके बाद केक्स पहले मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले रात को केक आया था नेहा का, थैंक यू नेहा। नेहा जी फ्रॉम दिल्ली, और मैं कहूँगी ये मेरी सेकेंड फैमिली टचवुड, क्योंकि केक मेरे पास पता है कब आया, ये केक मेरे पास आया रात को 12:05 पे, एंड फिर नेहा का मैसेज आया कि मैम आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैंने कहा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी, केक क्यों भेजा आपने, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ मंथ में या कभी ना कभी मेरे लिए कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं। और आंटी जी तो मैं क्या ही कहूँ, इनके घर में अगर कुछ भी ओकेजन होता है ना तो ये कहती है आप मेरी बड़ी बेटी हो, तो मिठाई पहले मेरे घर आ जाती है, एंड थैंक्स टू जोमेटो, जिसकी वजह से मैं कहूँगी जोमेटो इज़ द सोर्स कि आंटी सबसे पहले मिठाई मुझे भिजवाती है और बाद में फिर जाती है नेहा को, रश्मि को। तो जेलस मत करना इस बात से। सो हाँ, आई वॉज सेइंग कि नेहा ने क्या कहा कि मैम मतलब मैंने कहा फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी, तो नेहा बोलती है मैम अगर फॉर्मेलिटी होती तो रात को 12 बजे केक भिजवाते। बात तो सही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस केक, और इस पर बड़ा ही प्यारा लिखा है मैम, थैंक यू सो मच। और इसके बाद मुझे केक रिसीव हुआ है ये वाला जो मुझे अंजलि जी ने भेजा है। अंजलि जी के लिए मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मेरे पास शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। शी इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल लेडी। मतलब थोड़ा सा सीरियस वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, बट शी इज सो वंडरफुल। दिल इतना अच्छा है कि अपने पास अपने लिए कुछ हो ना हो लेकिन सामने वाले की हेल्प ज़रूर करनी है। शी इज़ गॉट दैट यू नो डायमंड वाला दिल मैं कहूँगी, और माता रानी टचवुड हमेशा उनको ऐसा ही बनाए रखे। अंजलि जी ने मेरे लिए भेजा है ये बहुत ही प्यारा सा केक, और जैसा कि अंजलि जी कभी भी नहीं भूलती है, केक के साथ में उन्होंने भेजे हैं मेरे लिए ये प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑलवेज गुड क्योंकि इट रिप्रेजेंट ग्रोथ। ये हमेशा चाहती हैं कि ग्रोथ होती रहे, हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली बढ़ती रहे, तो इस प्लांट्स के साथ ही मैं कहूँगी
ये प्लांट हाथ में लेके कि माता रानी और ठाकुर जी करें अंजलि जी आपकी लाइफ में भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, बहुत जल्दी जल्दी हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ, मुझे पता है आपके पास अगर इतना आएगा ना आप लोगों में इतना बांटेंगे, आई नो दिस। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। और इसके साथ में अंजलि जी ने मेरे लिए भेजी है ये सुंदर सुंदर सी साड़ीज, जबकि वो कह रही थी कि मैम ये साड़ीज मैंने आपको पहले इसलिए भेजी थी ताकि आप अपने बर्थडे पे स्टिच कराए। बाय द वे जो साड़ी मैंने पहनी है ना ये भी प्यारी सी साड़ी मुझे अंजलि जी ने ही भिजवाई है, तो अंजलि जी थैंक यू फॉर दिस लवली साड़ी। अब मैं जरूर इनको इसका ब्लाउज स्टिच करा के और अब मैं जरूर इनको पहनूंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो ना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ आप लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है ना। और ये भी बहुत प्यारी सी साड़ी, देखिए मैंने फोल्ड भी इनकी खोली नहीं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी, ये भी मुझे अंजलि जी ने ही भेजी है। आई एम श्योर मैं इसमें बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर दिस लवली ब्यूटिफुल साड़ी। और मैं ना नाम नोट करके रखा है क्योंकि आप लोगों के गिफ्ट्स ना इतने पहले पहले से आए हुए हैं तो मैं भूल ना जाऊँ किसने क्या भिजवाया है। और बड़ा ही प्यारा सा मैसेज भी है अंजलि जी की तरफ से, योर प्रेजेंस इन आवर लाइव्स इज अ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड नेक्स्ट इज आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी एंड एवरीवन एल्स, सो हियर्स टू अ हैप्पी बर्थडे एंड इयर्स टू कम। थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर दिस। और अब नेक्स्ट कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, आप लोगों ने इतना कुछ भिजवाया हुआ है। ये है हमारी रितु जी दिल्ली से, इनकी स्माइल गजब, हमेशा हंसती रहती है, प्रॉब्लम भी बताएंगी ना तो मैम पता है आज ऐसे हुआ, पर वो स्माइल इनकी ऐसी होती है लगता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम में है। तो माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। और बहुत ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने मेरे लिए लिखा है, ऑन दिस स्पेशल डे आई होप दैट यू विल गेट ऑल दैट योर हार्ट डिजायर, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, प्रोस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ, मे यू गेट ऑल दीज टुगेदर विद स्पेशल गिफ्ट्स, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रितु। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत सुंदर फ्लावर हैं, आप ही की तरह सुंदर सुंदर हैं। और रितु जी ने फ्लावर्स के साथ में मुझे ये लॉट्स ऑफ हर्शीज की किसेस भी भेजी है और साथ में कि हैप्पी बर्थडे का ये भी मेरे लिए भेजा है। पता ये सारी चीज़ें तो हम करना ही भूल गए, लेकिन आप लोगों के होते हुए मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आप लोग कैसे किस चीज़ का सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेशन का मज़ा आप लोग दुगना कर देते हैं। और हाँ, ये केक अभी डोरबेल बजी थी बताया था ना, तो ये केक आया है भगत हलवाई बाय रिद्धि, ये रिद्धि की तरफ से केक आया है, रिद्धि वेकेशन पे है लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बर्थडे के लिए ये केक भेजा है। सो थैंक यू सो मच रिद्धि फॉर दिस लवली मैंगो फ्रूट केक, एंड मैंगो देख के बहुत डिलीशियस और यम्मी सा लग रहा है, थैंक यू रिद्धि। और अब शुरुआत करती हूँ, ये जो आपने कपड़ों की दुकान मेरे लिए कर देते हैं ना वन बाय वन, ओके ये बहुत सुंदर सी साड़ी है, ये रितिका जी ने मेरे लिए भेजी है दिल्ली से, तो मैं इसको अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच रितिका फॉर दिस लवली साड़ी। एंड इसके बाद ये साड़ी मुझे भेजी है यशिका जी ने, गलत तो नहीं रीड कर रही, हाँ करेक्ट, ये साड़ी मुझे यशिका जी ने भेजी है, शी इज फ्रॉम दुबई। एंड यशिका जी बहुत सुंदर साड़ी है, देखिए सुंदर लग रही हूँ ना, थैंक यू सो मच यशिका जी फॉर द लव। यशिका जी को मेरे साथ कनेक्ट हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 14 या 15 साल हो चुके हैं यशिका जी को हमारे साथ कनेक्ट हुए, और इसके लिए थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट यशिका जी। यशिका जी पहले गुड़गांव रहती थी और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गई, और अभी भी टच वुड हमारा प्यार बरकरार है। और इसके बाद ये वाली साड़ी है कनाडा से, स्वाति जी ने भेजी है मेरे लिए, देखिए ये साड़ी कनाडा से स्वाति जी ने भेजी है, स्वाति जी थैंक यू सो मच। स्वाति जी की दो खुशी है जो उन्होंने कहा था कि मैम आप शेयर जरूर करना, एक तो इनको शादी के
14 इयर्स के बाद फर्स्ट बेबी हुआ है। पहली खुशी उनकी ये थी और दूसरी ये कि उन्होंने कनाडा में फाइनली अपना घर ले लिया है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू स्वाति जी, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। इसके बाद नेहा ने केक के बाद में आज मुझे ये सूट भी मिला है, राइट, ये भी नेहा जी ने भिजवाया है। तो थैंक यू सो मच नेहा, पहनूंगी फिर मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, वैसे मुझे पता है मैं अच्छी लगूंगी। सो थैंक यू सो मच नेहा फॉर दिस लवली लवली सूट। एंड इसके बाद में ब्लू वाइट सूट नम्रता जी, ओके देखो मुझे ऐसे लिख के रखना पड़ता है कि किसने क्या भेजा है। तो ये ब्लू वाइट सूट जो है ये नम्रता जी ने भेजा है दिल्ली से, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा कॉटन का बहुत ही अच्छा सूट है ये, देखिए दिस इज वेरी प्रिटी इतना कंफर्टेबल एंड आई लव, ये जो लेसेस होती है ना बहुत प्यारी लगती है बहुत। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सूट, बहुत सुंदर सूट है। और मैं ये सारे कपड़े पहन के ना जल्दी जल्दी वीडियो शूट करूँगी क्योंकि आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, अब मैं ये जो आपने भेजे ना सिर्फ यही पहन के वीडियो शूट करने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है ये पर्पल लाइट पर्पल सूट, ये मुझे भेजा है विभा जी ने कैलिफोर्निया से। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट कलर विच आई रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मेरा वॉर्डरोब तो पिंक और रेड और ऑरेंज से भरा हुआ है। सो थैंक यू, देखिए बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही प्यारा है। सो थैंक यू सो मच विभा जी, विभा जी को भी चीज फ्रॉम लखनऊ और लखनऊ के बाद ये अपना कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और इनको भी 4 साल पहले ही ये शिफ्ट हुई है और इन्हें शायद 7 से 8 साल हुए हैं मेरे साथ कनेक्ट हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली लवली प्यारा सा सूट। आप लोगों का मतलब मुझे लगता है कि मैं शॉपिंग करनी बंद कर दूँ, अब आप लोग ये चाहते हो। इसके बाद ये पिंक वाला सूट आया है मेरे पास, ये मेरे पास अंकिता जी ने भेजा है दिल्ली से एंड दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। देखिए अंकिता जी ने कहा मुझे, मैसेज अभी भी मेरे पास है इनका, अंकिता जी ने बोला कि मैम आपको इतने सुंदर सुंदर सूट मिलते हैं, अंकिता जी की जॉब लगी है और अंकिता जी ने मुझे अपनी जॉब्स की फर्स्ट सैलरी से ये सूट भेजा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतने सुंदर सुंदर सूट मिलते हैं आप ये पहनेंगे, अंकिता जी ट्रस्ट मी इतना सुंदर है। और सबसे पहले तो देखिए मेरा फेवरेट कलर आपने भेजा है तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी, और बहुत प्यारा सूट है देखिए, बताइए सुंदर लगूंगी ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सूट है ये। सो माता रानी आपकी जॉब बढ़िया से रखे और आप खूब तरक्की करें लाइफ में, और मैं ये तो नहीं कहूँगी आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म तक काम करते रहें क्योंकि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने कहा था चेंज है और चेंज ज़रूरी है, तो चेंज ज़रूर करिए ताकि आपकी ग्रोथ हो। इसके बाद ये अंशु जी हैं बैंगलोर से, बहुत ही अच्छा सा इन्होंने मुझे हैंडबैग भेजा है। सो अंशु जी और मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं कहूँगी, क्योंकि जब मुझे याद आती है या उनको याद आती है तो वी आर जस्ट अ मैसेज और कॉल अवे, और हमारी बात हो या ना हो, सिर्फ रेमेडीज से रिलेटेड बात होने के बाद भी आगे पीछे बात हो रही है या नहीं हो रही है डजंट मैटर, बट व्हेनेवर वी फील, हमें जब भी लगता है ना कि याद आ रही है या बात करनी है, तो या तो मेरा मैसेज उनको चला जाता है या उनका मैसेज मेरे पास आ जाता है। सो वी आर ब्लेस्ड दिस वे, टच वुड, वी आर वेरी ब्लेस्ड, और मैं चाहती हूँ माता रानी ऐसे हमारा प्यार बनाए रखें। एंड सी दिस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंडबैग। अब इसके साथ वीडियो तो शूट नहीं करूँगी, हाँ लेकिन जब मैं डेफिनेटली अभी वेकेशन पे जाने वाली हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज दिस न्यू बैग ओनली। सो थैंक यू सो मच अंशु जी फॉर दिस लवली बैग। और बाकी आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, आप लोग मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ भेजने की बजाय अगर आप मुझे सिर्फ अपनी विशेज देंगे ना, दैट्स रियली मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि मुझे बड़ा ख़राब लगता है। देखिए 3 दिन से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, वहाँ पे भी कुरियर्स की लाइन लगी हुई है, जो हमारे साथ वाले ऑफिस में है वो कहते हैं मैम आप नहीं आए हो लेकिन आपके कुरियर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ट्रस्ट मी, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और माता रानी आप सबकी लाइफ में
बहुत बहुत ग्रोथ लेकर आए, बहुत तरक्की लेकर आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लाइफ में हमेशा ग्रो करें और हमेशा मिराकुलस चीज़ें उनकी लाइफ में हों, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा हुआ है, होगा, हो भी रहा है. तो आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली लवली गिफ्ट, ड्रेसेस, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, केक्स. माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें. जय माता रानी.